देश के आधे से अधिक हिस्सों को भीषण ठंडक और कोहरे के राहत नहीं मिली है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और मणिपुर समेत 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सुबह के समय घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली में सोमवार इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। न्यूनतम तापमान गिरकर 5.3 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। वहीं घने कोहरे की मार से देश भर में ट्रेन और उड़ान सेवा भी प्रभावित हुई है। सिर्फ दिल्ली में ही 80 ट्रेनों के आगमन प्रस्थान पर असर पड़ा है। ये ट्रेनें 1 से 6 घंटे की देरी से चली। इनमें बेंगलुरु निजामुद्दीन और भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी, कानपुर नई दिल्ली, सश्रमित प्रयागराज नई दिल्ली एक्सप्रेस, अमृतसर मुंबई एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें शामिल हैं। वहीं 50 से अधिक उड़ानें भी प्रभावित हुई। इन उड़ानों के आगमन प्रस्थान के निर्धारित समय में 15 से 30 मिनट तक की देरी हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जम्मू कश्मीर जाना था, पर खराब मौसम के कारण उनका दौरा भी रद्द हो गया। सोमवार सुबह कोहरा और ठंडी हवाओं के कारण दिल्ली का न्यूनतम 5.3 डिग्री दर्ज किया गया तापमान, जो सामान्य से 2 डिग्री कम रहा। यह इस साल जनवरी माह में सुबह का सबसे कम तापमान है। इससे पहले दिसंबर माह में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे तक गया था। इसके बाद से बादल छाए रहने के कारण न्यूनतम तापमान में बढ़त दर्ज की गई थी। एक दिन पहले तक दिल्ली का न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर बना रहा। सोमवार को सुबह से ही कोहरा छाया रहा। दिन भर बादल छाए, धूप न निकलने के कारण दिन भर ठिठुरन सी बनी रही। वहीं शाम होते ही ठंडक और भी बढ़ गई। प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र नई दिल्ली के मुताबिक मंगलवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। सोमवार के समय हल्का कोहरा रह सकता है। दिन और शाम के समय बहुत हल्की बारिश या बूंदाबूंदी होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 17 और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं मौसम विज्ञान के मुताबिक बारिश के बाद मौसम साफ हो सकता है। अनुमान है कि दिल्ली के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़त हो सकती है। दिल्ली में 14 जनवरी तक सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने का अनुमान है। हालांकि अधिकतम तापमान बढ़कर 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 जनवरी तक बढ़कर 8 डिग्री तक पहुंच सकता है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट होने का अनुमान है। संभावना है कि 14 जनवरी तक इसमें 2 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। आपको बता दें कि मौसम उतार चढ़ाव के बीच दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण के स्तर में वृद्धि देखने को मिल रही है। सोमवार को दिल्ली के 2 इलाकों का AQI 400 के पार यानी बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंच गया है। मंगलवार को भी हवा की गुणवत्ता लगभग इसी तरह के रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सोमवार को दिल्ली का AQI 345 रहा। इस स्तर की हवा को बहुत खराब श्रेणी में रखा जाता है। रविवार को ये 333 रिकॉर्ड किया गया था, यानी 24 घंटे के भीतर इनमें 12 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। वहीं दिल्ली के 2 इलाकों का AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। इन दोनों ही जगहों का AQI 400 के पार पहुंच गया है। मानकों के मुताबिक हवा में 10 का स्तर 100 से कम और PM यानी कि 2.5 का स्तर 60 से कम होने का भी उसे स्वास्थ्य हानिकारक माना जाता है। लेकिन सोमवार को दोपहर बाद 4 बजे दिल्ली की हवा में 10 का औसत 272 और AQI काफ़ी ज़्यादा खराब रहा। इस तरीके से दिल्ली का में एक बार फिर से प्रदूषण की समस्या बढ़ सकती है। वहीं तापमान भी काफ़ी ज़्यादा गिर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।